आपको बता रहे, सुकमा से जो है नक्सलियों ने सड़क को काटकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया है। गोलापल्ली तारला गोड़ा के बीच में सड़क काट दिया गया है। सड़क पर पर्चे फेंके गए हैं। गोलापल्ली थाने का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो गोलापल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, दरअसल नक्सलियों ने सड़क पर पर्चे फेंके हैं। गोलापल्ली थाने का यह मामला बताया जा रहा है। कल मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए थे, जिसके बाद इन नक्सलियों ने नक्सलियों के एक और समूह ने पर्चे फेंके हैं गोलापल्ली थाना क्षेत्र इलाके में। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समिता शिवा यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवा, नक्सलियों ने एक बार फिर से पर्चे फेंके हैं, उन पर्चों में किन बातों का उल्लेख किया गया है? जी मैं आपको बता दूं, नक्सली पिछले एक हफ्ते से काफी इस प्रकार के वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, पर्चे फेंक रहे हैं सड़क काटना जैसे वारदातों को, और साथ ही साथ अपने पर्चे में कश्मीर का राग अलापते नजर आ रहे हैं। नक्सली 370 और 35A जो हटाया गया है उसे फिर से बहाल करने की मांग कर रहे हैं, और कश्मीर पुनर्गठन जो कानून है 2019 का उसे बंद करने की मांग कर रहे हैं नक्सली, और जगह जगह पर इस टाइप के वारदातों को अंजाम देते दिख रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शिवा। यूपी और मध्य प्रदेश में